सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। अभी मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ऑन गोइंग है CGPT कोस्ट गार्ड के लिए, जो DBJD है उसके लिए 2024 बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट आज यानी 22 तारीख को शाम के 5 बजे तक थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। डेट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, उसके साथ पे जिन लोगों का पेमेंट का इशू हो रहा है उनको क्या करना है उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ अपडेट दे दी गई है कि जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CGPT 1/2024 बैच के लिए, वो एक्सटेंड कर दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27 सितंबर 2023 को शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप DB के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास हो, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो, और अगर आप GD के लिए करना चाहते हो तो आपका 10+2 कम्प्लीट होना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ है। बाकी अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना, जल्दी ही इसके लिए वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ। अब बात रही उन लोगों के बारे में जिनका पेमेंट हो गया है और कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपका पेमेंट हो गया है और कंप्लीट नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो आपको क्या करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो भी इस बात का ध्यान रखना कि आप कोशिश करना कि आप पेमेंट करो नेट बैंकिंग से। किससे? नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग से जो पेमेंट करोगे आप, उसमें 99% चांस है कि आपका पेमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप साइबर कैफे में भी जाते हो तो उनसे बोलो कि भैया जो मेरा पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग से करो, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और हमारा नया व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर जा करके ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर न्यू हो आप तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।